हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फिलहाल जो आपके सामने खड़ी है वो मैं नहीं हूँ, वो मेरे भाभी हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था इनके हेयर वॉश का वीडियो। उस टाइम मैंने आप लोगों को बोला था इन्होंने एक रेमेडी लगाई है। वैसे तो इनके हेयर बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, लेकिन उस रेमेडी के बाद इनके हेयर पहले से ज़्यादा थोड़े से शाइनी और स्ट्रेट दिखाई दिए। वही रेमेडी आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। उसके लिए आपको चाहिए फ्रेश एलोवेरा जेल। यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं है कि आप पैकेजिंग वाला लेंगे, जी नहीं, आपको फ्रेश एलोवेरा जेल ही लेना है, तभी जाके ये रेमेडी वर्क करेगी। फिर आपको हाफ चम्मच डालना है शहद। शहद डालने के बाद फिर आपको इसके अंदर डालना है एक चम्मच, सिर्फ एक चम्मच कोकोनट ऑयल। जी हाँ, एक चम्मच। मैं अपने लेंथ के अकॉर्डिंग सिर्फ एक चम्मच ली थी, मतलब कि भाभी की लेंथ के अकॉर्डिंग उनको सिर्फ एक चम्मच। अब आप देख लेना कि आपके हेयर की कितनी लेंथ है, आप हाफ चम्मच भी डाल सकते हैं और एक चम्मच भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है रो मिल्क। आपको उबला हुआ दूध नहीं लेना है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपके हेयर के लिए। आपको रो मिल्क ही लेना है, कच्चा दूध ही लेना है आपको 5 से 7 चम्मच तक। मिला लें अच्छे से। आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा कि आप इसको एक स्प्रे बोतल में भर लें। स्प्रे बोतल में भरने के बाद आप इसको अपने हेयर पे अच्छे से अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के बाद 20 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ दें। और अप्लाई कब करना है, सबसे पहले आपको अपने हेयर्स पे शैम्पू करना है। शैम्पू करने के बाद ये वाली जो रेमेडी मैंने अभी बताई आपको वो लगानी है स्प्रे बोतल में भर के। स्प्रे बोतल नहीं है ना, तो आप कॉटन के साथ लगा सकते हैं, फिंगर टिप्स के भी साथ लगा सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसे आप लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान में रहे, शैम्पू करने के बाद ही आपको ये रेमेडी लगानी है। ट्रस्ट में गाइज, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जैसे स्पा में स्ट्रेट हेयर करवा के आते हैं, शाइनी हेयर करवा के आते हैं, आपको एज इट इज रिजल्ट मिलेगा, नहीं। ये रेमेडी है, वर्क करेगी, बहुत अच्छे से करेगी, लेकिन उन जैसा नहीं करेगी। अगर आप इसको रेगुलर यूज करेंगे लगातार 5-6 महीने, हाँ, फिर आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। भाभी के बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर हैं, ये पिछले 1 मंथ से इसी रेमेडी को फॉलो कर रही है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट इनको मिला है। प्लीज़ एक बार इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। और आपका जो फीडबैक है ना, जो सच में कि हाँ, चाहे इसने वर्क भी नहीं किया हो तो भी कॉमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि दी वर्क किया है, नहीं किया है, क्या कमी रहेगी। लेकिन शैम्पू करने के बाद आपको ये रेमेडी लगानी है, उसके बाद सिंपल पानी के साथ धोना है, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद आपको शैम्पू बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, रेमेडी पसंद आई है, तो प्लीज़ यार, जैसे अब तक आप लोगों ने मेरा साथ दिया है वैसे ही आगे भी देते रहें, जितना उसके वीडियोज को शेयर करें, ताकि हमारा जो चैनल है वो बहुत जल्दी मिलियन में पहुंच जाए। तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिएं, खुश रहें, खुश रखें। बाय बाय।